जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी पर चीन के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इस साल जल्द ही इंडियन आर्मी के लिए प्लेस हो जाएंगे K9 वज्रटी होविट्जर की 10 रेजिमेंट्स के लिए ऑर्डर। इंडियन नेवी के सबमरीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज से टॉर्पेडोज को इंपोर्ट करने वाली परियोजना की समीक्षा कर रही है रक्षा मंत्रालय। इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर बीएसएफ ने बढ़ाई अपनी अलर्टनेस। चाइनीज साइंटिस्ट चाइना के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लेकर फरार। और इंडियन नेवी ने इंडक्ट करी आखिरी 50 टन की बुलाट पुल टग्स। इंडिया टुडे की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्रालय में इंडियन आर्मी के लिए 200 एडिशनल K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स के दूसरे ऑर्डर पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है और एक K9 वज्रटी का जो दूसरा ऑर्डर है इसे इसी साल प्लेस किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये भारत में किसी प्राइवेट सेक्टर डिफेंस फर्म को दिया गया अभी तक का सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर बन जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो एक K9 वज्रटी है इसे भारत में इंडियन आर्मी के लिए L&T द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और L&T द्वारा मैन्युफैक्चर की गई 100 K9 वज्रटी सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर्स ऑलरेडी इंडियन आर्मी को डिलीवर की जा चुकी हैं और वो भी उनके शेड्यूल टाइम से पहले। और इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर अब इंडियन आर्मी के लिए इन 200 K9 वज्रटी के दूसरे ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद L&T इन K9 वज्रटी को 2023 यानी कि अगले साल से ही रोल आउट करना स्टार्ट कर देगी और इन 200 K9 वज्रटी को 2028 से पहले डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसमें खास बात यह भी है कि इनमें से अधिकतर गन्स अपडेटेड इंजन्स के साथ खास तौर पर मॉडिफाई की जाने वाली हैं ताकि उन्हें लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई अल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट्स में भी आसानी से ऑपरेट किया जा सके। और इंडिया टुडे की इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले साल तक जहां इंडियन आर्मी की योजना थी कि वे इस K9 वज्रटी की केवल एक ही एडिशनल रेजिमेंट को खरीदेंगे, लेकिन अब अचानक से ये एक रेजिमेंट के बजाय 10 रेजिमेंट को खरीदने का जो फैसला लिया गया है तो इसका तो एक कारण स्पष्ट रूप से चाइना की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। और जबकि पिछले साल 3 K9 वज्रटी होविट्जर्स को ट्रायल बेसिस के लिए पूर्व लद्दाख में भी मूव कराया गया था और इसलिए एक कारण ये भी हो सकता है कि इनके ट्रायल्स के आधार पर ही अब इंडियन आर्मी ने फैसला लिया है कि वे एक के बजाय 10 K9 वज्रटी की रेजिमेंट्स को और खरीदेंगे। और यही नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के लिए जो इसराइल से एटहॉस होविट्जर्स को खरीदने वाली डील थी जिसे रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल ही फाइनली क्लोज कर दिया है। और ATAGS के बारे में इंडियन टुडे की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन आर्मी का मानना है कि ATAGS के कड़े परीक्षण पास करने के लिए वे कम से कम 2025 तक ले सकते हैं। द प्रिंट की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह आत्मनिर्भर भारत पहल को और भी बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ भारतीय रक्षा मंत्रालय कई सारे फॉरेन प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेगी और इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जो अपनी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। और बाकी इस रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान जो कई सारे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की जानी है तो उनमें आर्मी और नेवी के लिए केमाव हेलीकॉप्टर्स, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए हैवीवेट टॉर्पेडोज, जनरल पर्पस मशीन गन्स, एक्सपेंडेबल एरियल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर टारगेट्स और ऐसे ही कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर हमारी सारी ई मैगजीन्स पर हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और जिसके तहत आज से लेकर 26 जनवरी तक अगर आप हमारी कोई भी ई मैगजीन बाय करते हैं तो वो आपको मात्र 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप किसी वजह से पुराने वाले महीनों की हमारी ई मैगजीन बाय नहीं कर पाए हैं तो अभी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और हमारे किसी भी महीने की कोई भी ई मैगजीन आप मात्र 11 रुपए में हासिल कर सकते हैं। और हमारी ई मैगजीन को खरीदने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि ये ई मैगजीन है जो आपको PDF की फॉर्म में मिलती है ताकि आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस की मदद से कहीं भी और कभी भी पढ़ सकें। BSF के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि कश्मीर में LOC पर सामान्य शांति बनी हुई है। बाकी उनका यह भी कहना था कि 2021 में करीब 58 बार घुसपैठ की कोशिश की गई थी और जिसमें 5 आतंकियों को भी ढेर किया गया था। और ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अभी भी करीब 100 से अधिक आतंकी LOC के पार घुसपैठ के इंतजार में मौजूद हैं। और जबकि इसके अलावा BSF प्रवक्ता की तरफ से भी बताया गया है कि रिपब्लिक डे से पहले इंटेलिजेंस इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए जम्मू फ्रंटियर पर BSF के सभी ट्रूप्स पिछले सप्ताह से ही हाई अलर्ट पर हैं और इसी के तहत जम्मू डिवीजन के 3 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में BSF द्वारा एक्सटेंसिव एंटी टनलिंग ड्राइव को भी कंडक्ट किया गया है, क्योंकि इसी तरह की सुरंग के माध्यम से जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। और बाकी इस एक्सटेंसिव एंटी टनलिंग ड्राइव के अलावा डेप्थ एरियाज में स्पेशल पेट्रोलिंग भी कंडक्ट की जा रही है और जबकि आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग और एक्सरसाइजेस भी जारी हैं। कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें इस बात का दावा किया गया है कि एक चाइनीज साइंटिस्ट जो कि चाइना के DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में शामिल था तो इसी हाइपरसोनिक प्रोग्राम के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ
ये चाइनीज साइंटिस्ट वेस्ट कंट्रीज की तरफ मूव हो चुका है। और ये भी बताया गया है कि जो साइंटिस्ट है ये काफी लंबे समय से चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी कि AVIC में एक रॉकेट टेक्नीशियन था और जिसने DF-17 मिसाइल्स को 2000 माइल्स तक की दूरी तक कैरी करने के लिए एक मिड रेंज के हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल को विकसित करने में मदद करी थी। और अब ऐसे में चाइना के ही हाइपरसोनिक प्रोग्राम के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ एक साइंटिस्ट का वेस्ट कंट्रीज की तरफ मूव होना काफी अलग अलग तरह की स्थितियां पैदा कर सकता है। और वैसे अगर किसी को नहीं बताया तो उन्हें भी बता दें कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को विकसित करने के मामले में अमेरिका रशिया और चाइना से पीछे है और इसी वजह से अब अमेरिका खास तौर पर ऐसे सिस्टम्स को विकसित करने पर काम कर रहा है जो कि उसके एडवर्सरीज के हाइपरसोनिक वेपन्स को काउंटर कर सके। और कुछ इंटेलिजेंस सोर्सेस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि इस चाइनीज साइंटिस्ट को चाइना छोड़ने के लिए यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस जो कि MI6 के नाम से मशहूर है तो इसने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर इस सारे दावे सही हैं तो फिर तो आप इस पर और क्या ही कहें। हाँ, लेकिन अगर आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप उस पर अपने विचार शेयर कर सकते हैं। 20 जनवरी को इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर असम राइफल्स ने मिजोरम पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के दौरान मिजोरम के सेहा डिस्ट्रिक्ट के जोंगलिंग से बहुत ही भारी मात्रा में वॉर लाइक स्टोर्स को रिकवर किया गया है, जिसमें 2421.12 किलोग्राम तक का बेलेक्सटेन एक्सप्लोजिव, 1000 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स, करीब 4500 मीटर तक की डेटोनेटिंग फ्यूज, 73,500 रुपए कैश, 9.35 लाख रुपए तक की कीमत वाली म्यांमार करेंसी और एक टाटा 912 व्हीकल रिकवर किया गया है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज 24 जनवरी को इंडियन नेवी की सर्विस में बलबीर नाम की 50 टन तक की बुलेट पुल टक को औपचारिक रूप से इंडक किया गया है और ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई आखिरी 50 टन की बुलेट पुल टक है और जबकि सीरीज की ये चौथी टक है। इन टक्स की सर्विस लाइफ करीब 20 साल है और इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स और ऐसी अन्य बड़ी नेवल शिप्स के लिए मददगार साबित होगी और निश्चित रूप से इंडियन नेवी की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है। और बाकी आप सभी के लिए एक और जरूरी सूचना, अगर आप इस 73rd रिपब्लिक डे परेड को लाइव देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिपब्लिक डे इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसके रिगार्डिंग जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है indianrdc.mod.gov.in तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2021 में इंडियन आर्मी के नायक निशांत शर्मा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में इंडियन आर्मी के नायक राकेश कुमार चोटिया अपने दम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। और जबकि आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर में हुए एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इंडियन आर्मी के मेजर APS महल और कैप्टन प्रमोद लाल ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।